हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 2, लाख की चूड़ियाँ। तो देखिए, यहाँ पर ना हम लोग समरी देख रहे हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर का जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है ना, वो हम लोगों ने कर रखा है। हमने एक और चैनल बनाया है लर्नर बी क्लास 8 के लिए, मतलब वहाँ पे आपको 8th का सारा मटेरियल, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, सब कुछ कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। सब कुछ आपको चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ाए हुए मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी, और सब कुछ आपको वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। आप लोग कंप्यूटर के लिए बोलते रहते हैं, GK के लिए बोलते रहते हैं ना, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उसका जो लिंक है उसकी प्लेलिस्ट, जैसे कि हिंदी का अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें, तो मैं हिंदी की प्लेलिस्ट जो है उस चैनल की, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको 8th क्लास का कंप्लीट मटेरियल एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब सारी क्लासेस के लिए कर दें, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत कुछ कवर है लर्नर बी पर, कई बार आप लोगों को मिल नहीं पाता है, तो उसके लिए फिर आपका ईजी हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लाख की चूड़ियाँ जो है ये चैप्टर। तो लाख क्या होता है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो ये ना एक लाल रंग का एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है रेड कलर का, जिससे चूड़ियाँ बन सकती हैं, और भी बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स इससे बनते हैं। तो चैप्टर में देखिए हमें बताया गया है, इस पार्ट में जो लेखक है ना, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे मशीनीकरण, मतलब इतना ज़्यादा मशीनों का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर और बहुत सारे लोगों के जीवन पर कैसे पड़ा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर जो हैं, जैसे कि इसमें बदलू है, बदलू अपने हाथों से लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, तो मगर उनका जो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनने लगी, तो इनका जो लाख की चूड़ियों का व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो गया। जो हाथों से बना काम करने वाले कारीगर हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और समय के साथ साथ उनके जो पैतृक धंधे थे, मतलब जो उनके दादा परदादा जो काम करते आ रहे थे, वो काम उनसे छूटता जा रहा है। हथकरघा उद्योगों का स्थान मशीनें तेजी से लेती जा रही है। हथकरघा मतलब जो हाथ से कुछ लोग किया करते थे, उनका स्थान जो है वो मशीनें लिए जा रही हैं। तो इसमें चैप्टर में हमें बताया गया है कि लेखक जब छोटा था तो हर साल वो अपने स्कूल की, जब उसकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी ना, तो वो अपने मामा के पास जाया करता था। उसी गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे वो बदलू काका कहता था, और बदलू काका क्या करते थे, बदलू काका पेशे से चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। किसकी चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। उनकी बनाई चूड़ियाँ उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी बदलू से ही चूड़ियां खरीदने आया करती थीं। लेखक के जो मामा थे, लेखक को अपने मामा के घर जाने का बड़ा चाव था, और सबसे ज़्यादा चाव था, चाव मतलब इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको आता था लेखक को बदलू के पास जाने में, क्योंकि बदलू जो है वो रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके देता था लाख की, किसको, राइटर को, राइटर को वो रंग बिरंगी गोलियाँ बड़ी पसंद आती थी। ये गोलियाँ जो थी सभी का मन मोह लेती थी। बदलू अपने मकान के सामने एक बड़े से आंगन में एक नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करता था, ठीक है, अपने घर के आगे आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। पास में एक भट्टी जलती रहती थी, और उस भट्टी में वो लाख को पिघलाता था, और कई प्रक्रियाएं पूरी करते हुए, बहुत सारे लाख पिघलाई, फिर चूड़ी बनाई है ना, तो कई सारी चीज़ें पूरी करते हुए वो अपना काम समाप्त करता था चूड़ी बनाने का, ठीक है। गाँव में बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को पैसे से ना बेचकर बदले में अनाज लेता था। तो मतलब आजकल क्या है, जैसे कि पैसे दो और फिर सामान ले लो, तो वो ऐसे वो बाटा सिस्टम चलता था, वस्तु विनियम शब्द इस चैप्टर में आया है, तो वस्तु विनियम के सहारे वो काम किया करता था बदलू, मतलब पैसे नहीं लेता था, चूड़ी बेचता था तो अनाज ले लिया, जैसे गेहूँ चावल ये सब लिया करता था। बदलू कभी किसी से लड़ता झगड़ता ना था, कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था, जैसे जब भी कोई विवाह के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो वह उनसे मनमानी चीज़ें वह पैसे लेता, वैसे तो बहुत ज़्यादा पैसे, कभी पैसे नहीं लेता था, अनाज के बदले चूड़ियाँ देता था, बट जब शादियों का माहौल आता था, शादियों का टाइम आता था, तो मनमाने पैसे भी लेता था और सामान भी वो ले लिया करता था। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अत्यधिक भरा था, मतलब बहुत ही अच्छे से सबके साथ वो रहता था। जब भी लेखक उससे मिलने जाता तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचा कर रखता था और आम भी खाने को देता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी, तो जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, है ना, और
मगर उसको कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को वह कांच की चूड़ियाँ पहने देखता तो अंदर ही अंदर उसे ईर्ष्या या जलन होने लगती। बदलू को शहरी जीवन ज़्यादा पसंद नहीं था। लेखक द्वारा उसे यह बताने पर कि शहर की स्त्रियाँ तो कांच की ही चूड़ियाँ पहनती हैं, वो कहता था कि शहरी स्त्रियाँ जो होती हैं ना, उनकी कलाई कमज़ोर होती है, लाख की चूड़ियाँ पहनने पर उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। तो ये सारी स्टोरी चल रही थी, बट फिर क्या हुआ कि लेखक के पिता का ना तबादला हो गया कुछ टाइम बाद, मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया और मामा के गांव से वो काफ़ी ज़्यादा दूर वो पहुंच गया। तो इस कारण वो कई सालों तक राइटर जो लेखक है हमारे, वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके। वो लगभग 8 से 10 साल बाद अपने मामा के गाँव गए। उससे बदलू का फिर मतलब भूल भी गए थे बदलू के बारे में जो राइटर है, तब तो छोटे थे जब बदलू के पास जाया करते थे। पर एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी जो है वो गिर गई, और कांच की चूड़ी पहन रखी थी उन्होंने हाथ में लेखक की मामा की बेटी ने, तो कांच की चूड़ी उनके हाथ में लग गई और कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। तब लेखक ने उसकी मरहमपट्टी करी और उसे लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका की याद आ गई। शाम को वह बदलू के घर पहुँच गया। बदलू आज भी उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा कर लेटा था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर उसने लेखक को पहचान लिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे तो बदलू भूल गया था लेखक को, पर लेखक को मतलब पहचान गया वो जब लेखक ने अपने बारे में बताया। तो अब बदलू का शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका था। दमे की तरह खांसी भी उसे आती थी, मगर दमा नहीं था, ठीक है, तो बस खांसी आया करती थी। लेखक ने जब उसके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई सालों से बंद हो चुका है, अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता, अब तो गाँव-गाँव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ। ये शब्द कहते कहते लग रहा था कि बदलू के अंतर मन में कोई व्यथा घर कर गई हो, मतलब वो कह रहे थे ना अब भी अपना व्यापार ख़त्म हो गया है, वो पहले लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, खूब बिका करती थी, पर अब सब कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं, तो बदलू का जो काम था, जो उसका बिजनेस था, वो तो एकदम ख़त्म हो चुका था। इसलिए उसके शब्दों में भी एक तरह से आवरण का मतलब दुख सा था। लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू अंदर ही अंदर टूट चुका था। जब लेखक बदलू की बेटी रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर ठिठक गया तो बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। मतलब लेखक ने देखा कि बदलू की जो बेटी है उसके हाथ में लाख की चूड़ियाँ थी, तो तब बदलू ने बताया कि ये मेरा आखिरी जोड़ा है जो मैंने चूड़ियों का बनाया था, ज़मींदार की बहन के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के केवल 10 आने दे रहा था, मतलब सिर्फ 10 आने रुपए दे रहा था, इसलिए उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। यह सुनकर लेखक को बदलू पर बड़ा गर्व आया कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है, तभी तो चूड़ियों को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। तो मतलब वही है कि जो चूड़ियाँ थी वो किसके लिए बनाई थी उसने, ज़मींदार की बेटी के लिए, मगर बहुत ही कम दाम ज़मींदार दे रहा था उन चूड़ियों के, तो बदलू ने मना कर दिया कि मैं ये चूड़ियाँ नहीं बेचूंगा, और वही चूड़ियाँ उसकी बेटी ने पहनी हुई थी, बदलू की बेटी ने। तो जो चैप्टर में यही है, मेनली तीन के दो ही करेक्टर हैं, एक ये राइटर है जो जब छोटे थे तब से ही अपने मामा के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, मामा के घर ये बदलू से सबसे ज़्यादा मिलने जाते थे, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ी बनाता था और लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बना करके जो है राइटर को दिया करता था। फिर बहुत साल हो गए राइटर गांव नहीं गए, जब दोबारा गांव गए तो पता लगा राइटर को कि भाई अब लाख का जो व्यापार है बदलू का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है और सब अब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को ये बताया गया है कि मशीनें जो आ गई हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने जो छोटे छोटे अपने मतलब काम करके जैसे कि जीवन यापन चलाया करते थे, जैसे कि पेंटिंग करने का काम है ना, वो छोटे छोटे काम, इन लोगों का व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गरीबी आ गई है, यही इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। अगर आप कंप्लीट चैप्टर एक एक शब्द के साथ, उसके कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स के साथ और उसके क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग सिर्फ हिंदी इंग्लिश मतलब सारे के सारे जितने भी आपके 8th क्लास के टोटल कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ आपको लर्नर बी फॉर 8th के लिए मिल जाएंगे। उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।